नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बैसाखी की इस पवित्र त्योहार की शुभकामनाएं और इस अच्छे दिन, इस शुभ दिन और इस कारोबारी हफ्ते के, इस छोटे कारोबारी हफ्ते के इस आखिरी दिन बाजार के पास बहुत कुछ, अगर आप देखें, अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। चाहे वो इन्फ्लेशन की फिगर हो, चाहे वो आईपी की फिगर हो, चाहे वॉल स्ट्रीट के संकेत हो और मानसून, आई मीन जो स्काई मेट ने कहा उससे कहीं एक कदम आगे जाके मेट की टिप्पणी है कि 106% का, आप देखें अनुमान मौसम का। यानी कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले मार्केट जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स को एक अच्छे नोट पर दीपाली देखिए छोड़कर जा सकता है। मैं बताऊं, आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, ये बाजार के पास आज एक बहुत अच्छा दिन है एक स्ट्रेंथ वाली ट्रेजेक्ट्री में जंप करने के लिए। आपके पास सब कुछ अच्छा है, फिर आप कहेंगे कि भैया मुझे अर्निंग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। भाई अर्निंग से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, अर्निंग्स खराब रहेंगी तभी तो ये बाजार यहाँ पे खड़ा है, स्टॉक्स यहाँ पे खड़े हैं। अदरवाइज पहले से प्रोजेक्शंस हैं क्वार्टर फोर अर्निंग्स को लेकर के, थोड़े डाउनग्रेड्स इस बार के अर्निंग्स में रह सकते हैं। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज है, आज जिस बाजार को ट्रेड करने में मजा आता है, जो बाजार को एक ट्रेंड चाहिए होता है, वो दिन आज हो सकता है। क्यों? हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि हम 200 डेमा के ऊपर, याद रखिए ये बाजार दो भागों में बढ़ता है, 200 डेमा के नीचे, 200 डेमा के ऊपर। 200 डेमा का लेवल कौन सा है? 7765 सबसे क्रिटिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बन रही है लेकिन उसके ऊपर एक क्लोजिंग, उसके ऊपर दो तीन दिन सस्टेन होना बहुत जरूरी है। खैर, सस्टेन होगा या नहीं होगा, आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की एसजेएक्स निफ्टी से, जो इस वक्त संकेत दे रहा है, कम से कम वो तो यही कह रहा है कि 7797 यानी 7800 के बेहद नजदीक खुलेगा, 64 अंक ऊपर है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, याद रखिए कल भी हमने इनफैक्ट कहा था लॉन्ग्स को होल्ड रखिए और फ्रेश लॉन्ग करिए, लॉन्ग ट्रेड को होल्ड करना है अभी। लेकिन निफ्टी पर अब 7780 और 7820 की इंपॉर्टेंस क्या है कुछ देर में और समझाऊंगा आपको। लेकिन SBI, LNT, ICICI बैंक, ये तीन स्टॉक्स हैं जिन पर जरूर नजर रखिएगा। और एक और चीज, बजट के बाद अगर कोई सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण सेशन है तो वो है आज का सेशन। बिल्कुल, इनफैक्ट आज के लिए जो ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, स्पेशली ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि इंडिकेट यही कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ आज मार्केट में कंटिन्यू करेगी। बीते दो सेशन में जो सर्ज आया है वो आज कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल क्यूज को, एशियाई बाजारों को जो कि 1% ज्यादा के गेंस लेकर कामकाज कर रहे हैं, एसजेएक्स निफ्टी 7800 पर अब पहुंच चुका है। इसके अलावा जिस तरह से हमने बात भी की कि क्रूड में इंटरनेशनल मार्केट में एक तेज उछाल दिखा है, कहीं ना कहीं इससे ग्लोबल ग्रोथ पर एक भरोसा लौटता हुआ दिखेगा। इस तरह की खबरें बनी हुई हैं कि 17 अप्रैल को होने वाली दोहा बैठक से ठीक पहले रशिया और सऊदी अरेबिया में आउटपुट फ्रीज को लेकर सहमति बन गई, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा उछाल हमने क्रूड प्राइसेस में देखा है। इसके अलावा जो आज के लिए ट्रिगर्स है वो IIP CPI के नंबर्स रहेंगे, दोनों ही आंकड़े प्रोजेक्शन से काफी बेहतर रहे हैं। और IMD ने भी कहा है फाइनली कि इस बार का मॉनसून अनुमान से काफी बेहतर रह सकता है, 106% बारिश का अनुमान IMD ने जताया है। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के बाद IMF को भी भारत की ग्रोथ पर भरोसा है। तो आज सभी ट्रिगर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ मार्केट में कंटिन्यू हो सकती है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये वो प्रोसेस स्टॉक्स होंगे जो कि हमारे रडार पर होंगे, बातचीत करेंगे हीरो मोटोकॉर्प पर, 3000 के लेवल को वापस कल इसने रीगेन किया, उसके ऊपर क्लोज किया है, बातचीत करेंगे। ऑटो एंसर स्टॉक्स में प्रोसेसली टायर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे कल, जस्ट डायल, वॉकहार्ट, जेनरेशन, कुछ और शेयर्स जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सब कल के सत्र में हमने मजबूती देखी है। FMCG पैक लाइमलाइट में रहेगा अच्छे मॉनसून के पर्सपेक्टिव से, इसलिए डाबर को हमने चुना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हाल ही के फॉल के बाद एक वापस लोअर लेवल से रिकवरी दी, इसके अलावा सुप्रीम इंफ्रा, टाटा स्पॉन्ज, विप्रो पर प्रोसेसली आपको नजर रखनी, बायबैक का यहाँ पर बज है, इन सभी स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र के पास भी कुछ स्टॉक्स है वो भी देख लेते हैं। जी देखिए, मेरे जो स्टॉक्स होते हैं वो टेक्निकल्स पर, अगर आप देखिए जी एंटरटेनमेंट कल शानदार क्लोजिंग भी इसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इस पर आज एडवांटेज मेरे को लग रहा है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। ICICI बैंक, LNT, बायोकॉन, इनसे स्टॉक्स पर बात करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें सेकंड शीट में वो है अशोक लेलैंड, कल ऑल टाइम हाई भी बंद हुआ, गोवा कार्बन अच्छे नतीजे, अच्छा अगर आप देखें मोमेंटम, हीरो मोटोकॉर्प, SL प्रोपैक और एसॉर्ट्स, दो स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था कल। लेकिन वॉल स्ट्रीट क्या कहता है और वॉल स्ट्रीट कल क्यों भागा और वहाँ से क्या संकेत है, रेस्ट ऑफ एशिया से क्या संकेत है, जानने के लिए चलते हैं रजत के पास न्यूज़ रूम में। रजत, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कैसे संकेत है वॉल स्ट्रीट से? कुछ संकेत तो काफी बेहतर हैं एशियन मार्केट से भी और वॉल स्ट्रीट से भी, और इंपैक्ट यही होगा कि आज स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे आपने कहा, टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्तर ऊपर, वो देखेंगे कि बाजार आज ऊपरी स्तरों पर टिक पाता है कि नहीं, लेकिन ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है। और अभी दीपाली थोड़ी देर पहले क्रूड के बारे में बात करी थी, उसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, वो अब ये दोहा बैठक से पहले की, रविवार को इंपॉर्टेंट फैसला आना आउटपुट फीस को लेकर, और सऊदी अरब और साथ साथ रूस दोनों ही देश तैयार हो गए हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर, क्योंकि अभी भी रूस के एनर्जी मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आउटपुट फ्रीज होगा कि नहीं, लेकिन बाजार एंटिसिपेट पहले कर चुका है कि आउटपुट
फ्रीज की जरूर यहाँ पर जो अटकलें हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी, यानी कि दोनों देश मानेंगे आउटपुट फ्रीज के लिए। इसके अलावा ऑटो बिक्री आंकड़े जो थे चीन की तरफ से वो भी काफी बेहतर थे, उसका भी कहीं ना कहीं ट्रिगर बन गया और कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट पे 4.5% तेज हो गया। आज हालांकि 1% के आसपास का डेंट जरूर पड़ा इंटरनेशनल मार्केट पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली तेजी पकड़ी है, 44 के ऊपर है ब्रेंट क्रूड। अमेरिकन मार्केट्स तेज हुए, 164 अंकों की बढ़त डाउ जोन्स पे देखने को मिली और एनर्जी स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी शो कर रहे थे। शेवरॉन गोल्डमन सैक्स दोनों ही स्टॉक्स पे अच्छी तेजी देखने को मिली। IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से उन्होंने विश्व ग्लोबल अनुमान जो है ग्रोथ का उसको घटा दिया, 3.2% वो मानते हैं 2016 में विश्व ग्रोथ अनुमान उनकी तरफ से है। हालांकि भारत का जो ग्रोथ अनुमान है उसको उन्होंने 7.5% पे इंटैक्ट रखा है। ये एक और राहत की खबर है इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन पॉलिटिकल कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बनता चला जा रहा है वो एक मेजर कंसर्न इस समय IMF समझता है कि वर्ल्ड मार्केट्स और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। यूरोपियन मार्केट्स पे कॉमोडिटी स्टॉक्स पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, इनफैक्ट मेटल स्टॉक्स सबसे ज्यादा एक्टिव हुए थे उस पर्टिकुलर मार्केट पे। आज कह सकते हैं संकेत पॉजिटिव है, उसका रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट्स पे जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आज इंडियन मार्केट्स पर देखें। शुक्रिया रजत आपका। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद है, राकेश बंसल है, विनाश गोरखसाकर है और विवेक महाजन है। तीनों मेहमानों का स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। मिस्टर महाजन, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। दो सेशंस में अच्छी मजबूती हमने वापस इंडियन मार्केट्स में इमर्ज होते हुए देखी और आज के लिए जो संकेत मिल रहे हैं, फिर चाहे वो IMF से हो, इंटरनेशनल मार्केट से हो, एसएक्स 50 से हो, IMD से हो या फिर IIP CPI नंबर्स हो, सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद जो स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है दो सत्रों में वो आज भी सस्टेन करे। आपकी सोच क्या है? डेफिनेटली जो भी पिछले एक या दो दिन में जो भी हमने डेटा फ्लो देखा है बहुत पॉजिटिव है। वी आर सीइंग एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न इट इज शोइंग स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस एट द लोअर लेवल। और अभी जैसे हमने देखा है कि जो FII है उसका सेलिंग थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। FII सेलिंग एक्चुअली बाइंग रिमेन्स पॉजिटिव दो ऑन ए स्मॉलर साइड एंड वी आर सीइंग ए फिनोमिनल मूवमेंट एज फार एज द मिड कैप स्टॉक्स आर कंसर्न। जो अभी रिसेंट पॉजिटिव डेटा फ्लो आ रहा है उसके बेसिस पर लगता है कि एग्री बेस्ड स्टॉक्स, स्टॉक्स विद रूरल प्ले आर लाइकली टू रिमेन इन फोकस एंड इट विल डेफिनेटली हैव अ रब ऑफ इफेक्ट ऑन द ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट। राकेश, आपकी राय क्या होगी, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र, टेक्निकल सेटअप तो काफी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो दो दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला, एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज देखने को मिली। मैं कल यही सोच रहा था कि मार्केट इतना स्ट्रांग लग रहा है, कारण समझ नहीं आ रहा, ट्रिगर कहां से आएगा। तो ट्रिगर भी क्लियरली नोन है नीचे, मगर आप निफ्टी के लिए देखें तो 7650 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में मुझे लगता है 7780-7800 तो इमीडिएटली गैप डाउन ओपनिंग के साथ दिख रहा है। बट जैसे अभी रजत कह रहे थे कि ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली सस्टेन करेगा। मार्केट का मोमेंटम मुझे काफी स्ट्रांग लगता है वीरेंद्र। जैसे आप भी चार्ट देखते हो, अगर आप चार्ट देखो तो कहीं कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, मार्केट्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 16,250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, निफ्टी 7800 एक इमीडिएट टारगेट है और वो लेवल्स टूटेंगे जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो ऊपर में 7880-7850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो राकेश मानते हैं 7800 के पहले टारगेट से उनको भी क्रॉस कर सकता है निफ्टी, 7850 के दूसरे टारगेट हो सकते हैं ऑन निफ्टी। और मिस्टर महाजन को भी आप सर जो मानते हैं कि तेजी बनी रहेगी और एग्री स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे जहां पर हमने कल भी जोरदार एक्शन देखा था। अविनाश, गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी और किस थीम के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? आई थिंक दीपाली, जिस प्रकार का यू नो IMD का फोरकास्ट कल आया था कि मानसून इस बार मेरे ख्याल से अच्छी तरह से नॉर्मल होंगे, स्काईमेट ने भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो दिया था, तो डेफिनेटली रूरल थीम्स, अगर हम एग्री रिलेटेड और रूरल थीम्स पे फोकस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर हम FMCG स्टॉक्स देखें, ट्रैक्टर कंपनीज देखें, फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स, ये सारे जो सेक्टर्स है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जहाँ पे मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको कंटिन्यूड तेजी देखने को मिलेगी। ब्रॉडली मार्केट मेरे ख्याल से यही फैक्टर पे पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे भी मेरे ख्याल से नए लेवल छूना चाहिए, 7750-7800 ये इमीडिएट मेरे ख्याल से रेंज होना चाहिए। 7750 से 7800 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। और जिस तरह से अविनाश ने भी कहा कि ऐसी कंपनियां फिर ऐसे शेयर जो कि रूरल इकोनॉमी से लिंक्ड हैं वहां पर आपको फोकस करना है, वो रिफ्लेक्शन हमने कल देखा भी, कल ऑटो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, FMCG स्टॉक्स में बाइंग थी, अग्री केमिकल स्टॉक्स में जोरदार मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन एक बार फिर से वापस लौटेंगे इंडेक्स पर, स्पेसिफिक स्टॉक्स पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें प्रिसाइसली वीरेंद्र, तो दो सेशन में मोमेंटम पॉजिटिव हुआ है, सेंटिमेंट सुधरे हैं मार्केट्स के और आज के लिए जो सभी क्यूज मिल रहे हैं वो भी काफी एनकरेजिंग है। ऐसी स्थिति में डेरिवेटिव सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए दीपाली, आज तीन में से दो काम आपको और हमको एज इन्वेस्टर एज ए ट्रेडर करने, एक काम बाजार खुद करेगा, एक काम यह है कि हमें अपने स्टॉप लॉसेस को लेकर आश्वस्त रहना चाहिए, वो सोच लीजिए, दूसरा ये है आपको लॉन्ग रहना है या फिर फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं,
और तीसरी चीज बाजार बाजार को अपने आप करनी है वो है 200 डेमा को पार करना, उसके ऊपर सेटल होना और 7820 को पार करना, उसके ऊपर क्लोज होना। पहले मैं शुरुआत करता हूँ एफआईज के अप्रोच से, एफआईज ने क्या किया और उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल से बात करूंगा। एफआईज ने कैश मार्केट में कल 307 करोड़ की खरीदारी करी, दैट मीन्स 77 के 100 के आसपास बाजार के टिकने में बड़ा योगदान एफआईज का था। 1908 करोड़ रुपए की उन्होंने वायदा कारोबार में खरीदारी करी और डीआईज ने अगर आप देखें थोड़ा सा माल बेचा है 161 करोड़ का। लेकिन अगर आप एफआईज की पोजीशंस को देखें तो कैश मार्केट, ये कैश मार्केट की बाइंग के अगेंस्ट उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स दीपाली थोड़ा सा कवर किया, आपको मालूम होगा पिछले कुछ सेशन में शॉर्ट किया था। 2008 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में, देखिए दो चीजें हो सकती हैं इसकी कि या तो उन्होंने अपना ऑप्शन कुछ कवर किया है और लॉन्ग कॉल किया है, यानी ऑप्शंस खरीदे हैं कॉल ऑप्शंस में बाइंग करी है, ये चीज हो सकती है। और स्टॉक फ्यूचर्स भी अगर देखिए उन्होंने खरीदा है। देखिए दीपाली मैं दो लेवल्स पे आज बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा और वो क्यों करूंगा मैं बताता हूँ आपको। मैं आइए निफ्टी फ्यूचर्स पे एक बार, निफ्टी फ्यूचर्स में कल ओपन इंटरेस्ट में लगभग 5 लाख शेयर घटे, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। एफआईएस की पोजीशंस जो शॉर्ट थी वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं, इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने कुछ स्क्वायर ऑफ किया है, जो बेचा था वो खरीद लिया है। अब आइए आप कॉल और पुट पे, मैं क्यों कह रहा था कि हमें तीन में से दो काम करने हैं बाकी एक काम बाजार खुद करेगा। आप दीपाली कॉल देखिए 7700 की कॉल सिर्फ 2 लाख, 7800 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी और 7900 की कॉल में सिर्फ 2.25 लाख से जुड़े। यानी कॉल जोड़ने से पहले ट्रेडर ने ये कल सोचा या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन ने जो काम काज किया कि पहले 7780 पार होने दो, 200 डेमा क्रॉस होने दो। याद रखिए अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक हमने 200 डेमा को कभी छुआ भी नहीं है और उसको कभी पार करने की कोशिश भी नहीं करी है। लेकिन हम एक बार फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑलमोस्ट 7 महीने के अंतराल के बाद उस लेवल को फिर अप्रोच कर रहे हैं। याद रखिए 200, एक बार कॉल पे दोबारा आइए, 200 डेमा है आपका 7765 और दूसरा दीपाली जो क्रिटिकल लेवल है 7800, वो यू इसलिए है 7800 जो है वो वीकली चार्ट्स पर हमारा 50 वेमा है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों लेवल अगर आज कट के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वो बहुत अच्छी क्लोजिंग, दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। मैंने शुरू में ये क्या किया, मुझे अपने स्टॉप लॉसेस के बारे में सोचना चाहिए, बाकी काम बाजार करेगा खुद करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ आना चाहिए। अब आइए इस चीज़ के लिए आप पुट पर, पुट्स को देखिए आप। कल जब बाजार हम इसी वक्त बात कर रहे थे तो कहाँ पुट राइटिंग हुई थी 7600 पे, आज कहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 7700 पे, करीब 14.5 लाख। दैट मीन्स देखिए बाजार मुझको रोज बरोज ये सोचने का मौका दे रहा है कि बॉस अपने स्टॉप लॉसेस के बारे में सोचो, अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करो। बाजार ऊपर जा रहा है, आप पहले 100 डेमा के बारे में सोच रहे थे, अब आप 200 डेमा के बारे में सोच रहे हो, आप 50 वेमा के बारे में सोच रहे हो। तो अपने स्टॉप लॉसेस को करने का टाइम है। जी हाँ एग्जैक्टली, स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करने का वक्त है अब। जैसे कि अभी कुछ देर पहले राकेश भी कह रहे थे 7650, 7680, बाकी आपकी पॉकेट कितना आप सरेंडर करना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ। तो मैं तो शायद दीपाली आज स्टॉप लॉस 7680 के पास डेफिनेटली ले आऊंगा, लेकिन अगर ड्यूरिंग द डे मुझे कहीं भी लगा कि निफ्टी 7800-7820 पे जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा और ऊपर ले आऊंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ बहुत प्रॉफिट नहीं रखना चाहूंगा, छोड़ना नहीं चाहूंगा, तो मैं लॉक करता चलूंगा। देखिए एक चीज ये भी है दीपाली, एक्सटेंडेड वीकेंड है अभी, आप क्रूड की बात कर रही थी, आप रशिया और इनफैक्ट जो मीट की बात कर रही थी, तो बहुत सारी चीजें अगर आप देखें खुली भी हैं, इन्फोसिस को लेकर बाजार क्या करना चाहेगा। तो प्लीज अपने स्टॉप लॉसेस के साथ बहुत कुछ मत छोड़िएगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक ले जाइए छुट्टी में अपने साथ, वो भी कोई बुरा विकल्प नहीं होगा। लेकिन बाजार में रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है, एकदम से कॉन्ट्रा कॉल मत लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस के बारे में सोचिए बस। इनफैक्ट राकेश एक छोटा कमेंट, जो वीरेंद्र ने भी बात की एक्सटेंडेड वीकेंड है, संडे को दोहा में एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है, ऐसी स्थिति में अगर आज अच्छे गेम्स हों निफ्टी ट्रेडर्स को तो मार्केट क्लोजिंग तक अपना मुनाफा लेकर घर जाएं। नहीं दीपाली मैं थोड़ी विपरीत राय रखता हूँ, पूरा नहीं पार्शल, क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स भी ऑन एज ऑफ अ ब्रेकआउट हैं और चांसेस ऊपर के ब्रेकआउट के ज्यादा लग रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा कि ब्रेकआउट नहीं होगा, पर ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर इस एक्सटेंडेड वीकेंड में यूएस मार्केट में एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो जब मंडे को मार्केट खुलेगा तब दोबारा से एक अनदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट साथ में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। आप कुछ और चीज कैरी करें, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुनाफा वसूली करके एकदम हल्के होके जाए। पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं करनी है, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, जिस तरह से राकेश ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनाएं। फिर से अगर आप देखें एसएसपी क्या कर रहा है उस पर देख लेते हैं एग्जैक्टली, करीब 58 अंकों पर, करीब 7792 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हमारे साथ तीन मेहमान है, राकेश पंसल, अविनाश कुरक्षाकर और साथ ही साथ विवेक महाजन। मिस्टर महाजन अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्जैक्टली आईटी पर,
और आईटी पर आई थिंक बहुत सारे सडनली अगर आप देखें एक बस खड़े हो गए हैं. एक तो आपने देखा 10 दिन पहले एमएल एक्टिविटीज स्टेक बाय स्टेक सेल मिड कैप आईटी में अगर आप देखें काफ़ी ये खबरें अगर आप देखें बनी रही. उसके बाद सडनली अगर आप देखें आप इंफोसिस को लेकर जो वाइब्रेंसीज थी वो बढ़ गई, ऑल टाइम हाई पर था, इसने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी नंबर्स कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे. और तीसरी चीज़ अगर आप देखें आज जो खबर फ्लोट हो रही है वो है विप्रो का बायबैक. आई थिंक बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं. आप इस वक्त आईटी में क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को लोगों ने क्या अप्रोच दी है, किन स्टॉक्स को अगर आप देखें आप इस वक्त चेज कर रहे हैं? देखिए जो आईटी स्पेस है उसमें वी आर सीइंग द चैलेंजेस इंक्रीजिंग. ऑन वन साइड वी आर सीइंग दैट द प्राइसिंग प्रेशर एज फार एज इंटरनेशनल मार्केट इज कंसर्न बिकॉज ऑफ इन जनरल स्लो डाउन इन द आईटी स्पेंड ग्लोबली. सेकेंड इज द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन डोमेस्टिकली. अगर देखते हैं तो वी आर सीइंग द वेजेस इंक्रीज एंड वेजेस इंक्रीज इज पुटिंग प्रेशर ऑन द मार्जिन. थर्डली ऑलरेडी वी नो नास्कम हैज ब्रॉट डाउन द ग्रोथ फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर. सो टिपिकली मोस्ट ऑफ दिस आईटी कंपनीज शुड बी ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ समथिंग लाइक 1 to 2, 2.5% सिक्वेंशली दिस क्वार्टर. This is on account of maybe furloughs in the last quarter. Also, the impact of apna Chennai flood to be there on some of the companies. But nevertheless, the annual growth of something like 12 to 14% is not very exciting as far as frontline IT companies are concerned. So, yes, long-term steady growth denge ye stocks, karib 15% se 20%. But bahut jagah pe the potential is much higher. So, we are not looking at IT per se. Yes, there is an added advantage of the INR weakness, but we should not forget the currency headwinds in a lot of geographies is also likely to impact. So as a result, we have been maintaining a cautious stand and staying clear. Some stock-specific mid-cap plays would be there as a trading place. Other than that, we have been avoiding IT. जी, लेकिन आज के सेशन में प्रिसाइसली लाइमलाइट में रहेगा बायबैक क्योंकि खबर इंपॉर्टेंट है. 19-20 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड मीट है और उस बोर्ड मीट में बायबैक को लेकर फैसला हो सकता है. हालांकि बायबैक की प्राइसिंग क्या होगी और क्या डिटेल्स होंगी इससे जुड़ी वो समझ लेते हैं. सुमित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद भी हैं. बताइए सुमित, 20 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक में बायबैक आ सकता है, उस पर फैसला कुछ लिया जा सकता है, इस तरह का बज है मार्केट में, लेकिन और क्या बारीकियां हैं या फिर क्या और डिटेल्स हैं आपके पास से जुड़ी हुई? शुक्रिया दीपाली. देखिए पहली चीज़ तो 20 अप्रैल को कंपनी बायबैक अपने नतीजों के साथ घोषणा कर सकती है और बायबैक करने वाली पहली आईटी कंपनी रीसेंट टर्म्स में पहली आईटी कंपनी जो कि बायबैक की घोषणा करने की उम्मीद कर सकती है. लेकिन इसकी डिटेल्स क्या हैं पहले आप ये देख लीजिए. बायबैक की कंपनी की ऑलरेडी प्रमोटर की 73% के आसपास की हिस्सेदारी है, यानी करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो सेबी के कैप के अकॉर्डिंग रिमेनिंग है, यानी कि इतनी बायबैक जो है वो कंपनी और कर सकती है. लेकिन इतने कम हिस्सेदारी के लिए बायबैक लाना ये बाजार में जो है वो अटक रहा था लोगों की क्यों बायबैक हो सकता है. अगर इसको देखें तो इसका दूसरा परिवेश ये बनता है कि रिसेंटली बजट के अंदर 10% टैक्स लगाने की बात की गई थी डिविडेंड के ऊपर. कंपनी ने इसीलिए जल्दी डिविडेंड की घोषणा की और करीब करीब 5 रुपए का डिविडेंड दिया, लेकिन उससे कंपनी के जो प्रमोटर्स उनको 900 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम हुई. तो कंपनी के पास एक जो हैवी कैश है, यानी कि 16,500 करोड़ रुपए का कैश है, उसका इस्तेमाल डिविडेंड के अलावा या तो एक्वेशन के लिए किया सकता है या फिर रिजर्व्स में डिविडेंड के अलावा कैसे टैक्स को बचा जा सकता है. तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कंपनी एक बायबैक लेके आ रही है. बायबैक में कंपनी रफली 1.5% के आसपास की इक्विटी खरीदेगी. अगर इस 1.5% के आसपास की इक्विटी कंपनी खरीदती है तो उसमें करीब करीब 4-4.5 करोड़ शेयर के आसपास कंपनी खरीद सकती है और इसके लिए भी कुछ रकम का इस्तेमाल कर सकती है जो कि रफली 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की होगी. अगर ये बायबैक में इस रकम का इस्तेमाल कंपनी करती है तो उसके ऊपर वो रकम जो है प्रमोटर के वापस प्रमोटर के पास आते हुए दिखाई पड़ सकती है. जो बायबैक करेगी कंपनी इक्विटी तो हो सकता है यहाँ पर जो प्रमोटर है वो भी अपनी कुछ इक्विटी देता हुआ दिखाई पड़े और अगर ऐसा होता है तो कंपनी का कैश जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा और इसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो यहाँ पर कुछ हद तक टैक्स बचाने का भी काम हो सकता है जो डिविडेंड के थ्रू रिसेंटली बचाया भी गया था. दूसरा आपको यह बता दें कंपनी ने जो भी नकदी का इस्तेमाल है वो तो होगा ही होगा और साथ साथ हायर टैक्सेस जो हैं उसको एस्केलेट करने के लिए भी कंपनी इस काम को कर सकती है.
इसके अलावा कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से भी यहाँ पर छूट मिलेगी, तो ये एक और अहम चीज है जिसका इस्तेमाल कंपनी कर सकती है इस बायबैक को लाने की वजह। अब दो और चीजें हैं, एक क्योंकि कंपनी 4 करोड़ शेयरों के आसपास का बायबैक करेगी, 1.5% के आसपास की इक्विटी हो सकती है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा प्रीमियम बायबैक के ऊपर ना देते हुए दिखाई पड़े। 560-568 का मौजूदा स्तर है, अगर बायबैक आता है तो मैक्सिमम 570-575 रुपए के आसपास का ही भाव यहाँ पर दिया सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी इक्विटी नहीं है जिसका बायबैक हो रहा है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा प्राइसिंग की उम्मीद ना रखी जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि बाजार में कल एक खबर डिस्काउंटेड थी, इसीलिए शायद शेयर में सेकंड हाफ में कुछ प्राइस मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा था, तो बहुत ज्यादा प्राइस एस्केलेट की उम्मीद नहीं है। लेकिन मेजरली कंपनी इस रकम का इस्तेमाल या इस बायबैक का जो इस्तेमाल है वो अपने कैश को फर्दर यूज करने के लिए कर रही है। जी शुक्रिया सुमित आपका। इनफैक्ट जो भी खबर यहाँ पर सुमित ने बताया उसके 4-5 जो हाइलाइटेड पॉइंट्स उनमें यही है कि 20 अप्रैल को बोर्ड मीट है, इसमें बायबैक को लेकर घोषणा हो सकती है। जो डिविडेंड पर 10% टैक्स की बात आई है बजट में, उसको बचाने के लिए शायद कंपनी बायबैक ला सकती है, 1.5-2% इक्विटी का ये पूरा बायबैक हो सकता है। और बस ये भी है कि जो कल की क्लोजिंग रही यानी 568-569 की, उसी प्राइसिंग के आसपास बायबैक आ सकता है। अविनाश आप क्या कमेंट करेंगे विप्रो पर, बायबैक न्यूज फ्लो पर? आई थिंक दीपाली, मेरे ख्याल से बायबैक का प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से अगर एग्जिस्टिंग या थोड़ा सा प्राइस के मार्केट प्राइस के ऊपर अगर बायबैक आता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट ड्राइवर रहेगा। रही बात विप्रो के फाइनेंशियल्स की, तो अगर हम उसको इन्फोसिस या TCS या HCL टेक से कंपेयर करें तो मार्केट्स ने एक काफ़ी बड़ा थम्स डाउन दिया था, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में बाकी सारे शेयरों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये वॉच करना पड़ेगा कि बायबैक प्राइस क्या रहेगी, उसी पे मेरे ख्याल से आगे का प्राइस मूवमेंट डिसाइड होगा। चलिए बात करते हैं, देखिए मानसून के और अच्छे मानसून के फिगर्स के बीच अगर आप देखें तो हम क्या क्या पिक करें, हमारी थीम क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिल सकता है, देखिए खराब मानसून के साथ ना पिछले 2 सालों से जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था वो था बैंकिंग पे, क्योंकि बैंकिंग और स्पेशली सरकारी बैंक, इनका खेती, इनका खराब मानसून से बड़ा सरोकार है। खैर मैं आगे बढ़ने से पहले एग्जैक्टली देखना चाहता हूँ कि IMD की जो कल की स्टेटमेंट था, जो फोरकास्ट था, उसमें एग्जैक्टली किन किन बात पे उन्होंने इनफैक्ट गौर फरमाया है और क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट रहे, आइए सुनते हैं पहले एग्जैक्टली मेट ने कहा क्या। डिपार्टमेंट के DG LS राठौर है, सर किस तरह का अनुमान है इसका, बस मान कर चले कि मानसून जो है काफ़ी अच्छा होगा? मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 94% है जो कि नॉर्मल या उससे अधिक रहने की, तो कुल मिलाकर के आकलन अभी यह है कि डेफिशिएंट मानसून की संभावना लगभग नगण्य है। सर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का देख रहे हैं, काफ़ी रीजन जो है मराठवाड़ा हो गया वो सूखे का देख रहे हैं 2 साल से, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह? देखिए जब अच्छा मानसून होता है, मानसून फ्लो अच्छा होता है, तो उसका वितरण जो है बारिश का वो भी आमतौर पर बेहतर होता है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े भूभाग पर मानसून की वर्षा का वितरण ठीक रहे। कोई नेगेटिव फैक्टर देख रहे हैं? देखिए जब अधिक सक्रिय मानसून होता है तो कहीं कहीं एपिसोडिक अतिवृष्टि भी होती है और उसको जो है मध्य अवधि पूर्वानुमान में देंगे। आपने सुना, अगर आप देखिए मैट की टिप्पणी थी, विवेक आप एग्जैक्टली क्या करेंगे? मैं बैंकिंग से जोड़ के देख रहा हूँ इस अच्छे मानसून को, मैं FMC से जोड़ के देख रहा हूँ, मैं इरीगेशन कंपनी को जोड़ के देख रहा हूँ, मैं उन कंपनी को देख रहा हूँ, ट्रैक्टर को देखिए, ट्रैक्टर जिन कंपनियों में ट्रैक्टर कारोबार है, मोटरसाइकिल जिन कारोबार वाली कंपनियाँ, हीरो मोटर कॉप, बजाज ऑटो, एग्जैक्टली बहुत सारी थीम आप अच्छे मानसून से जोड़ सकते हैं। अगर यही 105-106% रियलिस्टिक फिगर रही तो एग्जैक्टली सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आप किन किन स्टॉक्स पे पहले से खरीदारी करके बैठना चाहेंगे? देखिए जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है दैट विल बी टू द सीड्स कंपनी, ट्रैक्टर एंड मे बी एग्री इक्विपमेंट कंपनीज एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर कंपनीज, एंड देन द बेनिफिट विल डेफिनेटली फ्लो इन टू 2-व्हीलर कंपनीज और FMCG प्लेस। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए द फर्स्ट स्टॉक्स विच कम टू माइंड इंक्लूड PI इंडस्ट्रीज, वी बिलीव दिस स्टॉक इज अ पोटेंशियल टू गो बाई 100-150 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल, DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड, the company is into sugar, they have got some fertilizer business, they are also into seed business, the stock has not participated in the rally and we believe it will be one of the bigger beneficiaries. Third stock will be of course couple of fertilizer companies which include EID Perry and also Coromandel Fertilizer.
And definitely then cement should benefit because the consumption or rural construction will go up. So cement, which is of course अपना infrastructure play, और ये दो quarter बहुत अच्छे रहते हैं cement sector के लिए, तो cement will benefit, or for that matter FMCG and two wheeler companies. तो उसके लिए the stocks which come to mind will be Remco Industries and NCL, which look attractive at current level. We are recommending Britannia Industries, looks positive with the medium term. And also NBFC companies, so a company that is a microfinance company that is setting credit care looks very good. This stock is quoting at some 310, 315 rupees. We believe this stock has a potential to go up by 40-50% in next 1 year's time. जी, तो काफी सारी चॉइसेस मुझसे महाजन ने यहाँ पर बताई हैं. रामको इंडस्ट्रीज, एनसीएल इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, इन पर आप फोकस कर सकते हैं और इन सभी स्टॉक्स में ये खरीदारी की राय दे रहे हैं. लेकिन अब वक्त हो गया है जानने का कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है. और आज का शेयर बताने से पहले आप कल के स्टॉक ऑफ द डे की परफॉर्मेंस देखिए. कल शारदा क्रॉप कैम, ये कल का स्टॉक ऑफ द डे था. आप देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक क्लोज हुआ. 280 के टारगेट्स इसमें दिए गए थे, इसने अपने टारगेट्स को ओवरशूट किया. 284 के लेवल्स इसने टच किए और उसके बाद 275 के आसपास की क्लोजिंग स्टॉक किया है. तो एक ऐसा स्टॉक आपको बताया जाता है जो कि इंट्राडे में एक अच्छा मूव आपको दे सकता है. लेकिन कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले. अब आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है जाने के लिए सीधे न्यूज रूम चलते हैं रजत के पास. गुड मॉर्निंग रजत, कौन सा स्टॉक है? जी बिल्कुल, आज हीरो ग्रुप की कंपनी है मुंजाल ऑटो, जिस पे आप दाव लगा सकते हैं. और ये स्टॉक तेज होगा, जबरदस्त तेजी पकड़ सकता है. इनफैक्ट मैं ये बता दूं आपको कि हीरो मोटो को आप खुद एक साल के उच्चतम स्तर पे है. इस शेयर में अभी तक चाल बनी नहीं है. देखिए जो रिजल्ट्स हैं, बॉटम लाइन इफेक्ट जरूर हुई पिछले कुछ तिमाही में, वो इस कारण से कि क्षमता विस्तार पे कंपनी लगातार काम कर रही थी. और अब कैपेक्स साइकिल जो कंपनी की पूरी हो गई है, जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैश फ्लोज जो है आने वाले समय के लिए जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे. एक ट्रिगर. दूसरा ट्रिगर, एग्जॉस्ट सिस्टम बिक्री से लगभग 92% आय कंपनी जनरेट करती है. और नए एमिशन नॉर्म्स जो आए हैं उसका सीधे तौर पर एक बेनिफिशियरी जो होगा वो मुंजाल ऑटो होगा, क्योंकि अब जब नए सिस्टम लगेंगे तो उससे मार्जिन और आय दोनों में इजाफा देखने को मिल सकता है. थ्री व्हीलर के लिए सीएनजी और पेट्रोल वेरिएंट प्रोडक्ट्स जो कंपनी बना रही है उसके लिए तो अलग सा बाजार खुलेगा कंपनी के लिए. वहां से एक रेवेन्यू, पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी की जनरेट होती हुई नजर आएगी. अब सबसे बड़ा ट्रिगर मानसून का ही है. ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों स्पेस के लिए मॉनसून एक बहुत बेहतरीन ट्रिगर बन सकता है. और वैसे भी बाजार यही एक्सपेक्ट करेगा आपकी, जब मॉनसून बेहतर होगा तो ग्रामीण इलाकों से हीरो मोटोकॉर्प की आय बढ़ेगी. हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री सबसे बेहतर रह सकती है क्योंकि सबसे बड़ी पकड़ जो है ग्रामीण इलाकों में वो हीरो मोटोकॉर्प की है. उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी मुंजाल ऑटो होता हुआ नजर आएगा. ट्रेडिंग कंपेरेबल्स कंपेयर करें, ईवी बाय एबिटा 6.43 के मल्टीपल पे है, इंडस्ट्री 20 के ऊपर चल रही है, तो अंडर वैल्यूड प्ले है. यहां से तेजी इसके चलते हुए बनती हुई नजर आएगी. और डिलीवरी वॉल्यूम्स कल के सत्र में 52% की डिलीवरी उठी थी, अच्छी तेजी पकड़ सकता है. अगर आप टारगेट्स लेके चले तो आज 87 तक के टारगेट्स लेके चल सकते हैं. स्टॉप लॉस 76 का इस पर्टिकुलर ट्रेड पे आपको लगाना होगा आज. जी शुक्रिया रजत आपका. तो आज का स्टॉक ऑफ डे है मुंजाल ऑटो. 87 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं. 76 का आपको स्टॉप लॉस रखना है. कल 78-80 के लेवल्स पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था. इनफैक्ट अविनाश, मुंजाल ऑटो पर तो आपके कमेंट्स में लूंगी ही, साथ ही साथ पूरे ही ऑटो एंसिल स्पेस में कल हमने एक अच्छा रिफ्लेक्शन देखा था. स्पेशली टायर स्पेस में सीएट की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही थी. तो मुंजाल ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिल पैक से ये अभी आपकी चॉइसेस क्या है? क्या टायर स्टॉक्स में भी कोई स्टॉक आपको ठीक लग रहा है? दीपाली, डेफिनेटली मुंजाल ऑटो के फाइनेंशियल्स आगे आने वाले क्वार्टर में अच्छी तरह से इम्प्रूव होंगे क्योंकि इनका हीरो मोटर कॉर्प के साथ काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है. और मानसून अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, प्लस इनकी जो प्रोडक्ट बुके है ये भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ी है. तो यहाँ से भी टॉप लाइन होपफुली FY17 में भी बढ़ेगी. तो मेरे ख्याल से आई थिंक मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. स्टॉक्स काफ़ी अंडरवैल्यूड है तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से कम से कम 15-20% की अपसाइड डेफिनेटली नेक्स्ट 6 months में पॉसिबल लग रही है. रही रबर स्टॉक्स के बारे में, तो मुझे टायर स्टॉक्स के बारे में तो मुझे लग रहा है कि सीएट और टिपिकली अगर जेके इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में होपफुली FY17 विल बी अ गुड ईयर. मानसून का इफेक्ट भी थोड़ा बहुत प्ले आउट होगा क्लियरली. ऑटो के नंबर्स पॉजिटिवली प्ले आउट होंगे तो जेके और सीएट पे नजर रखें. और ऑटो एंसिलरीज में जो स्टॉक शायद सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है वो एक ट्रैक्टर इंजिन सप्लायर है, स्वराज इंजिन्स. हमको लगता है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर रिटर्न रेशियोज भी देखें तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा जंप FY17 में हम देख सकते हैं क्योंकि ये काफी अंडरवैल्यूड है और इसकी वैल्यूएशन FY17 के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है. चलिए अब इस बीच कल के कुछ स्टार प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं. कल जी एंटरटेनमेंट को देखिए, और बात करने से पहले डिस्क्लोजर की SLSMO की पेरेंट कंपनी है लेकिन कल करीब 3% के इजाफे के साथ डी हाई भी बंद हुआ. राकेश, टेक्निकली जो इसने कल किया है और जिस प्रकार की कल प्राइस परफॉर्मेंस थी, आप देखिए
एक चैनल से इसने बाहर निकलने के संकेत दिए, डिसाइसिवली उसके बाहर निकला है, मैं ये नहीं कह सकता अभी, लेकिन आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? देखिए वीरेंद्र राइटली मेंशन कर रहा, चैनल से बाहर निकला और मोस्ट इंपॉर्टेंट 380 रुपए स्टॉक का एक अच्छा बेस बनाया और स्टॉक में ऊपर में 423-425 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी समूह की दूसरी कंपनी डिश टीवी, उसके अंदर भी एक कल एक क्लियरली 83 रुपीज पर एक बेस क्लियरली कंफर्म हुआ है, मात्र एक 3 रुपए का एक स्टॉप लॉस बैठता है 83 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के डिश टीवी को भी बाय किया जा सकता है 91 रुपीज के लक्ष्य के लिए। जी चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो कि आज खबरों की वजह से लाइमलाइट में रहेंगे। टाटा स्पॉन्ज नेगेटिव न्यूज फ्लो है, कल भी स्टॉक ये नहीं चला था। कस्टम डिपार्टमेंट ने कंपनी पर 33 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, कोल इंपोर्ट के क्लासिफिकेशन की वजह से ये पेनल्टी लगी है। तो टाटा स्पॉन्ज पर आप नजर रखें आज के सत्र में। जे कुमार इन्फ्रा और आइनॉक्स विंड, इन दोनों स्टॉक्स में शायद थोड़ा सा दबाव दिखे क्योंकि जे कुमार इन्फ्रा पर खबर है कि आरबीआई ने एफआईआर निवेश पर रोक लगाई है, 24% ज्यादा निवेश होने के चलते ये रोक लगाई गई है। इसके अलावा आइनॉक्स विंड पर भी सिमिलर खबर है, 22% ज्यादा निवेश होने की वजह से आरबीआई ने निवेश सीमा पर रोक लगाई है। शिल्पा मेडिकेयर पॉजिटिव खबर है, रायचूर और कर्नाटका की इकाई को जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है और रायचूर इकाई से ऑन्कोलॉजी और क्रैम्स का कारोबार होता है, वहीं कर्नाटका इकाई से कंपनी एपीआई कारोबार करती है। तो शिल्पा मेडिकेयर स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक लेकिन मजबूत रह सकता है आज के सत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा क्वार्टर थ्री मुनाफा 6 करोड़ से घटकर 3 करोड़ के आसपास रहा है, वहीं कुल आय करीब 22 करोड़ के आसपास दिखे। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा शायद दबाव में दिखे क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर्ट हुई है। विप्रो पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक और स्टॉक आप देख लीजिए वो है मधुकोन प्रोजेक्ट्स का। आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे में हिस्सा बिक्री पूरी की है और कंपनी की आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे में 74% हिस्सेदारी है। रकम का इस्तेमाल 212 करोड़ की जो रकम मिल रही है उसका कर्ज भुगतान के लिए होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में रहेंगे। साथ ही साथ एक बार पीवीआर और एसआरएस को भी देख लेते हैं। कल अभी वीरेंद्र ने जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी की बात की भी और कल हमने मीडिया और एंटरटेनमेंट स्टॉक्स इन दोनों ही पॉकेट्स में अच्छे मोमेंटम देखा था। पीवीआर एसआरएस पर खबर है कि फिल्म फैन के रिलीज के चलते शेयरों में तेजी आ सकती है और शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज होगी तो मल्टीप्लेक्स टिकटों की कीमतों में भी बढ़त का अनुमान है। मिस्टर महाजन आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे मल्टीप्लेक्स शेयरों पर? PVR definitely is one of the better companies. We are not very confident about the this quarterly numbers, that is Q4 numbers, because that is typically a not very good quarter for the entertainment industry. But PVR looks very good from a medium to long term perspective. ये स्टॉक में पोजीशन बनाए रखना चाहिए। एनी करेक्शन शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दिस स्टॉक इज अ पोटेंशियल टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% प्लस इन नेक्स्ट 1 ईयर्स टाइम। इस बीच आप देखिए कल दो कंपनियां पैकेजिंग कारोबार से जो संबंध रखती हैं, एक तो एसएल समूह की कंपनी है एसएल प्रोपैक। एसएल प्रोपैक ने कल अपने ट्रेडिंग करियर का एक नया सर्वोच्च दर्ज हुआ, यानी अपने ऑल टाइम हाई पे कल करीब 170-135 पे बंद हुआ। और दूसरी कंपनी थी यूफ्लेक्स, हालांकि यूफ्लेक्स उतना चला नहीं, लेकिन बात ये थी कि ये स्टॉक भी अगर आप देखें यूफ्लेक्स भी पिछले काफ़ी समय से एक्टिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिए हैं इसने। और सडनली अगर आप देखें एफएमसीजी के साथ अच्छे मानसून की फिगर्स के साथ ये स्पेस भी काफ़ी ड्राइव हो रहा है। आई मीन नेचुरली अगर आप देखें एफएमसीजी की अच्छी डिमांड होगी तो आपका जो पैकेजिंग कारोबार है यूफ्लेक्स जैसी कंपनियाँ जो कि मैगी को सप्लाई भी करती हैं नेस्ले को, उनके लिए अगर आप देखें अच्छा कारोबार कहीं ना कहीं Q1 में Q2 में खुलता है। अविनाश पैकेजिंग कारोबार वाली ये दो कंपनियां, और अगर आपके जहन में एक दो कंपनियां और स्टॉक्स और आते हों उनको क्या आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे आप इस वक्त? नहीं बिल्कुल वीरेंद्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसल प्रोपैक का जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, क्लियरली इनका डोमेस्टिक बिजनेस ज़्यादातर एफएमसीजी बिजनेस को रिलेटेड है और ऑब्वियसली अगर अच्छी मानसून आने वाली है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमको अच्छे वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीबन 7-8% हो सकता है आने वाले साल के लिए, और होपफुली जो उनका ग्लोबल बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ब्रेक इवन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ग्रोथ जो काफ़ी टाइम से थोड़ी बहुत मॉडरेटली ग्रो हो रही थी डोमेस्टिक मार्केट्स में और एक्सपोर्ट में भी थोड़ा बहुत जो दिक्कत थी वो शायद आने वाले साल में अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 190-195 का भी प्राइस पॉइंट पॉसिबल है और यहाँ पर डेफिनेटली निवेश भी कर सकते हैं अगर 6 से 12 महीने का व्यू है तो। जी चलिए इसके अलावा कुछ और शेयर्स को देखें तो जहां पर आज न्यूज़फुल रह सकता है बीएचएल पर आप नजर रखें। बांग्लादेश प्रोजेक्ट का
फाइनेंशियल क्लोजर अभी पूरा नहीं हुआ है, ये बीचल का कहना है। कावेरी सीट पर खबर है कि तेलंगाना में नया प्लांट शुरू किया है और मई में से पहला कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा और कंपनी ने प्लांट लगाने पर 21 करोड़ का खर्च किया है। तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। जीटीसी इंडस्ट्रीज एक और शेयर, कंपनी ने 85% हेल्थ वार्निंग के साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया, हालांकि बाकी कंपनीज इसके अगेंस्ट थी लेकिन जीटीसी इंडस्ट्रीज ने 85% हेल्थ वार्निंग से प्रोडक्ट लॉन्च किया और अप्रैल 2016 से उत्पादित होने वाले सभी उत्पादों पर 85% वार्निंग की बात कही है कंपनी ने। तो पूरा ही इनफैक्ट जीटीसी आईटीसी वीएसटी इंडस्ट्रीज इन सभी स्टॉक्स पर नजर आज के सत्र में रख सकते हैं। करीब 7793 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। थोड़ा ऑप्शन रणनीतियों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन वो जिनके सहारे आप यहां से आगे की तेजी इंडेक्स पे फिर या फिर स्टॉक्स पे खेल सकते हैं। देखिए आज जिस दो स्टॉक्स पे हम बात करेंगे, एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे वोल्टास, कल स्टॉक डे हाई पर लगभग 277.85 की ट्रैक्टरी बंद हुआ। ये आपकी क्वार्टरली चार्ट पे आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या किया इसने, ये एक बार फिर से जनवरी फरवरी के हाइस को रिविजिट कर रहा है। तो रणनीति यही है कि अगर ये इस 280 की ट्रैक्टरी से ऊपर निकलना चाहता है, जिसे आप फ्रेश ब्रेकआउट का एक तमगा दे सकते हैं, तो उसको खेलने का एक जरिया आपके पास ऑप्शन भी है। 280 की कॉल खरीदें करीब 8 रुपए के आसपास, दैट मीन्स आप एट द मनी कॉल खरीद रहे हैं और लगभग 16 रुपए का लक्ष्य और 5 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस रख के चलना है। इसको मैं टेक्निकली भी डिस्कस कर लूंगा लेकिन ये एक जरिया है, ना कि इसको अगर आप देखें फ्यूचर या कैश में खेल के एक प्रीमियम चुका के यहां से आगे की तेजी को हासिल करने का। 280 की स्ट्राइक 8 में खरीदें, 16 में बेचें, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। और सन फार्मा में यहां पर भी अगर आप देखें कल स्टॉक 823 पर लगभग 6.25 रुपए बढ़ के बंद हुआ। हालांकि जिस प्रकार की खबरें थी और जिस प्रकार का माहौल है पूरे फार्मा में, ये एक बहुत कंफर्टेबल चार्ट नहीं है ट्रेड करने के लिए। और आप देखिए आगे जो सप्लाई जोन है वो है नेक्स्ट सप्लाई जोन 860 की ट्रैजेक्टरी में। मेरे ख्याल से जो 860 का सप्लाई जोन की ट्रैजेक्टरी है ना, वो इस रणनीतिकार के जहन में भी था और इसीलिए अगर आप देखें उन्होंने बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखे हैं। 840 की यानी उस टारगेट से यानी 860 के सप्लाई जोन से पहले 20 रुपए नीचे 840 की स्ट्राइक की कॉल को एक्यूमुलेट किया है लगभग 11.5 रुपए में और लगभग 24 रुपए का यहां पर लक्ष्य है। तो 860-865 ये उसके जहन में टारगेट है जिसने रणनीति बनाई है और करीब 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना है। राकेश अगर इन दोनों में से एक ट्रेड पिक करना हो, वोल्टास और सन फार्मा दोनों ही इनफैक्ट आपके पास कैश का विकल्प है, आपके पास फ्यूचर का विकल्प है और दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मैंने डिस्कस करी, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए दोनों का ये टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और दोनों में ही एक फर्दर रैली जो है रूल आउट नहीं की जा सकती है। अगर कोई एक स्टॉक चूज करना हो तो मैं वोल्टास के साथ जाना चाहूँगा, जहाँ मुझे लगता है एज कम्पेयर टू सन फार्मा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा स्ट्रांग है वोल्टास की एज कम्पेयर टू सन फार्मा। अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो वोल्टास के साथ जाना चाहूँगा। जी अविनाश, आपकी स्पेस में चॉइसेस क्या हैं, वोल्टास या फिर पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से? क्योंकि हिताची होम, आईएफबी इंडस्ट्रीज, वोल्टास, गोल्डन सभी स्टॉक्स में हमने बीते कई सत्रों से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट एमर्ज होते हुए देखे हैं, लेकिन एक स्टॉक जिसके साथ आप जाना चाहेंगे? इनफैक्ट दीपाली, मैं समझता हूँ कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी और रिस्क रिवॉर्ड दिखा सकता है और ऑलरेडी हमने देखा है कि Q3 में नतीजे काफ़ी बेहतरीन थे, इनफैक्ट नंबर्स लॉस से प्रॉफिट में आ गए और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि फोर्थ क्वार्टर भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा। रही बात मानसून का इफेक्ट भी कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 230-240 का यू नो टारगेट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में और आगे मीडियम टर्म में भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। जी इसके अलावा कल के सेशन में हमने देखा था कि ज्यादातर सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे लेकिन शुगर स्टॉक्स में एक तेज मुनाफा वसूली कल के सत्र में हावी हुई थी। आप देखें अवध शुगर को, द्वारिके शुगर, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, इन सभी स्टॉक्स में एक स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में दिखी। मिस्टर महाजन, अभी शुगर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? कल की प्रॉफिट बुकिंग पहली चीज, क्या आप और स्ट्रेच होती हुई देख रहे हैं या फिर इसे आप एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं खरीदारी के लिए, क्योंकि हाल ही में इनफैक्ट प्रिसाइसली बीते 6 मंथ्स में एक स्ट्रांग रन अप ये स्टॉक्स ऑलरेडी दे चुके हैं? Sugar stocks, we have seen a phenomenal rally. These stocks are up by anything between 50% to 200%. The correction that we have seen yesterday is very minor. It does not give any sign of comfort. Position hai to banaye rakhna chahiye, but fresh position should be avoided. Today is beech agar aap dekhen, kal ke kuch hot price performers. Escorts, aapko yaad hoga. पहले हमने पिछले हफ्ते लगभग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को इस स्टॉक को कंसीडर किया था, एसएल प्रोपैक, और उस दिन मैं बात कर रहा था स्कॉट्स पे।
142 पे स्टॉक था, 145 आया, कल देखिए 170 रुपए के स्तर को छू गया, 11% ऊपर था। देखिए एस्कॉर्ट के साथ अच्छी चीज़ ये है, एक तो चार्ट अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कभी कभार क्या होता है ना कि किसी भी सेक्टर में किसी भी एक ही स्टॉक को ट्रेड करते करते आदमी तंग हो जाता है। अशोक लेलैंड सुनते सुनते परेशान हो गए कल, हालांकि अशोक लेलैंड ने भी हाई लगाया अपना ऑल टाइम हाई, लेकिन एस्कॉर्ट एक फ्रेश मूवर है इस स्पेस में। आपकी राय क्या रहेगी राकेश, इस वक्त आप कैसे प्लेस करेंगे ऑटो स्पेस पे अपने आपको? मारुति ने कल करा देखें काफी डिसेंट पुल बैक दिया, एस्कॉर्ट्स शानदार मूव, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प की देखिए क्या शानदार चल रही, अशोक लेलैंड, सो यू हैव मल्टीपल चॉइसेस विद इन द ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, लेकिन एस्कॉर्ट्स को कैसे कंसिडर करेंगे आप पूरे ऑटो के चंक में इस वक्त? देखिए वरेंद्र, एंटायर ऑटो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो, हीरो मोटर कॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर हो, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल एस्कॉर्ट्स में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है, इन स्तरों पे नया निवेश तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ऊपरी स्तरों पर अगर 174-175 के लेवल्स मिलते हैं और ट्रेडिंग का नज़रिया है किसी ने निचले स्तरों पर पोजिशन बनाई है तो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। राकेश, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस, इन दोनों पॉकेट से क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज के लिए बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही पॉकेट के शुरू में कल हमने जोरदार मजबूती देखी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। देखिए अगर लॉजिस्टिक्स से कुछ पिक करना होगा दीपाली तो मैं ब्लू डॉट के साथ जाना चाहूंगा, जहां मुझे टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है। ब्लू डॉट के अंदर अगर आप देखें तो 6000 रुपए एक बेस है और इसके अंदर मुझे कंजर्वेटिव बेसिस पर 6750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर डिफेंस स्पेस से कुछ बाय करना हो तो मैं रिलायंस डिफेंस के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर 66 रुपीस के अराउंड एक डबल बॉटम लगा हुआ है और ऊपर में 74 रुपए के लेवल तक की रैली देखने को मिल सकती है। जी, गति इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखें पिछले दो सेशन से ठंडा पड़ा हुआ है, राकेश इस पर आपकी राय क्या है? इसने देखिए कितने पेशेंस टेस्ट करे इसी रेंज में, बार बार 120 तीन सेशन से इनफैक्ट मैं ही देख रहा हूँ इस स्टॉक को, पूरा लॉजिस्टिक चल गया, ये हाई सुबह लगाता है और फिर अगर आप देखें ट्रिम होता है, लेकिन ये टेस्ट कर रहा है पेशेंस। कल के मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देखूँ राकेश तो वो भी लगभग 29-30 के आसपास थे, क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसमें मिलेगा और क्या 120 के बाद 135-130 वो टारगेट्स लेके चल सकते हैं यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र, देखने को मिल सकते हैं, अगर 120 के लेवल्स स्टॉक डिसाइसिवली तोड़ता तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक चीज़ सर्टन लगती है कि शायद स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, अगर कोई ब्रेकआउट पे खरीदता है, इन स्तरों पे खरीदता है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखने को मिल सकता है। जी, कुछ और स्टॉक्स जो कि आज खबरों की वजह से एक्शन में रह सकते हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स पर आप नजर रखें, कल खरीदारी देखी थी हमने सभी ज्वेलरी शेयरों में, स्पेशली जब कुछ राज्यों में हड़ताल वापस ली गई और आज सोर्सेस के थ्रू खबर मिल रही है कि सरकार की ओर से 1% एक्साइज पर कुछ राहत का ऐलान हो सकता है, एक्साइज वसूलने के तरीकों में राहत सरकार दे सकती है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पॉकेट पर फोकस रहेगा आज के सत्र में। के एन इंडिया ओएनजीसी पर खबर है कि सरकार ने क्रूड उत्पादन पर 20% सेस को नोटिफाई किया है और जो नई दरें हैं वो 1 मार्च से लागू होंगी और क्रूड प्राइसेस क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट दिखा भी है तो वैसे भी जो एनर्जी स्टॉक्स है वो शायद एक तेज मोमेंटम में रहे। मिस्टर महाजन, दोनों पॉकेट पर आपकी राय क्या है, के एन इंडिया ओएनजीसी, कीपिंग इन माइंड कि क्रूड प्राइसेस में एक अच्छा उछाल दिखा प्रीवियस सेशन में, 17 अप्रैल को होने वाली बोर्ड बैठक काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में सहमति बन गई है आउटपुट फ्रीज को लेकर, और साथ ही ज्वेलरी स्टॉक्स काफी हैमरिंग हुई है, इन स्टॉक्स से क्वार्टर फोर अर्निंग सीजन भी बहुत अच्छा रहने का अनुमान नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले तो जो अपने केन और ऑयल ओएनजीसी की बात कही, वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द डिलीवरी बाय दीज कंपनीज, दे में एट बेस्ट बी ए ट्रेडिंग प्ले। यस, देयर आर रिपोर्ट्स दैट यस्टरडे देयर वाज अ टेलीफोनिक टॉक बिटवीन रशिया एंड सऊदी ऑयल मिनिस्ट्री एंड दे हैव एग्रीड टू सम सॉर्ट ऑफ प्राइस फ्रीज, दो द एग्जैक्ट कॉन्टूर ऑफ दैट विल बी नोन ऑन 17th व्हेन द मेजर प्लेयर्स मीट इन दोहा। वी आर सीइंग क्रूड हैविंग गॉन अप, केन काफ़ी नीचे लेवल पे स्टॉक चल रहा है, नो डाउट एक्सट्रीम लो से दी स्टॉक हैज मूव्ड सीन सम रन अप, ट्रेडिंग के हिसाब से उसमें हो सकता है कि थोड़ी अपसाइड की गुंजाइश हो, बट एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आई विल नॉट बी बाइंग दी स्टॉक, ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव केन कैन बी लुक्ड एट। एज फार एज ज्वेलरी स्पेस इज कंसर्न्ड, the story remains intact about a consolidation in that space, shift from unorganized to organized, jewelers were on strike for a pretty long period of time, they are coming back, we believe the activity will once again pick up. PC Jeweler is one stock which comes to mind, the stock has already run up significantly, quoting at some 360 odd level, isme koi stop loss ke hisab se position banaye rakhni chahiye aur fresh position lead
की जा सकती है. दिस स्टॉक इज अ पोटेंशियल टू क्रॉस 400 रुपीस. जी इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर. कल क्या शानदार तेजी के साथ 184 रुपए में बंद हुआ. देखिए कल लगभग सेशन के मिड भाग में खबर आई कि 180 रुपए के स्तर पर यहाँ पे बल्क डील हुई थी और लगभग मेरे ख्याल से उस बल्क डील में 388,000 शेयरों ने अपने हाथ बदले थे और उस बल्क डील के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुआ. अरे देखिए राकेश में स्टॉक पूछने से पहले फोर्टिस हेल्थ केयर, आज जब राकेश न्यूज रूम ये स्टूडियो में आया ना तभी उन्होंने झट से बोला कि आज मैं आपको एक क्या दीपाली का बोला था स्टॉक ऑफ द डे दूंगा. 9:15 पे एक स्टॉक बताऊंगा. 9:15 पे एक स्टॉक बताऊंगा और फिर देखिएगा वो क्या करेगा. तो मैं राकेश से वो 9:15 पे डेफिनेटली स्टॉक पूछूंगा जो कि आज सरप्राइज कर सकता है. लेकिन राकेश उससे पहले जरा फोर्टिस हेल्थ केयर बताइए एग्जैक्टली ये क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ तक जाएगा? 200 रुपये 205 ये टारगेट लेके जा सकते हैं अगर ये इस पूरे 190 के जोन को पार कर दे. वीरेंद्र काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है. सबसे बेहतरीन बात फोर्टिस हेल्थ केयर की ये है कि नीचे में 174-175 एक बेस है और ऊपर में डेफिनेटली जो लक्ष्य आप बता रहे हैं 198-200 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं. इसके साथ साथ वीरेंद्र एक और स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मेरे को लगता है नजर रखनी चाहिए. क्रूड को अगर आप देखें तो 2016 के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है और बिगेस्ट बेनिफिशियरी रिलायंस बनेगा. चार्ट्स पे देखें तो एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी पर है. इन स्तरों पर रिलायंस को भी बाय करना चाहिए 1022 के स्टॉप लॉस के साथ 1085 के टारगेट के लिए. तो ये कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज राकेश की ओर से आज के लिए. लेकिन अब 9 बजे हैं, हर रोज की तरह वक्त हो गया है शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का.